ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वजह क्या है? हमारे साथी अधिवक्ता वकार अहमद खान जो थाना मंगलपुर के निवासी हैं और जनपद न्यायालय कानपुर देहात में वकालत करते हैं, इनको एक मामले में पुलिस अधीक्षक कन्नौज के यहाँ बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। उसी के सिलसिले में गए थे। जब वो बयान देकर वापस आए थे, महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस के मौजूदगी में वकील साहब पर जानलेवा हमला हुआ। यहाँ तक कि उनकी बहन के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ और वकील साहब ने मुकदमा हालांकि कायम हो गया है, जिसका क्राइम नंबर 844/21 धारा 147 323 506 307 उनके ऊपर कायम हो गया है। लेकिन गजब की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद महज 8 लोगों के ऊपर मुकदमा होने के बाद मौजूद एक आदमी के ऊपर मुकदमा किया गिरफ्तारी की है, जबकि अभी तक 24 घंटा बीत गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को चाहिए कि 8 गिरफ्तारों को सकेचों के भीतर होना चाहिए। हमारी ये मांग है पुलिस अधीक्षक कन्नौज से और सरकार से भी, पुलिस अधीक्षक कन्नौज से मांग है कि घटनाक्रम यानी जो विक्टिम है उनको जिनको मारा है अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। वकार अहमद की तबीयत कैसी हालत की? बहुत हालत खराब है। जिला अस्पताल कन्नौज ने उनको जवाब दे दिया है, संभवतः कानपुर के लिए रिफर हो रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ जो है उनकी सरकारी खर्च पर, सरकार के खर्च पर वकील साहब की अच्छी इलाज कराई जाए, जिससे उनका जीवन जी सके। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है हमारी कि यूपी प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से बात करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो बराबर मांग चल रही है, ईंट पे ईंट बजाने का काम चलेंगे, मार खाते रहेंगे, हत्याएं होती रहेंगी, लूट होते रहेंगे, परिवार को मारे जाते रहेंगे। अब सहने की बारी हम लोगों की, सीमा टूट चुकी है।